आम बजट और रेल बजट को एक साथ करके उसे फरवरी के आखिरी हफ्ते से पहले हफ्ते में करने के बाद पीएम मोदी एक और सुधार लाना चाहते हैं। पीएम मोदी वित्त वर्ष को अप्रैल से मार्च की बजाय जनवरी से दिसंबर करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ये बात उठाई और सभी राज्यों से इस पर गंभीरता से विचार करने को कहा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद पीएम ने कहा कि वित्त वर्ष बदलने को लेकर कई सुझाव आए हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी को महत्वपूर्ण बताते हुए उसका इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम ने सीएम से कहा कि वो सरकार की योजनाओं का अपने राज्य की जनता के हित में उपयोग करें। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता ने जिस तरह से बीजेपी को समर्थन दिया है उसके बाद पार्टी और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के एक पुलिस वाले ने खुलासा किया कि कश्मीर में पत्थरबाजों को जुटाने के लिए 300 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे। खबरों के मुताबिक दावा है कि पुलिस ने अब इन ग्रुप्स पर काबू पा लिया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य की स्थिति को देखते हुए महबूबा मुफ्ती से केंद्र सरकार बेहद नाराज है। सीएम महबूबा मुफ्ती ने आज पीएम मोदी से मुलाकात भी की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी कर्मचारियों के समय पर कार्यालय पहुंचने पर दफ्तर में आने जाने के समय पर नजर रखने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली के इस्तेमाल पर निर्देश दिए। सीएम ने लखनऊ में ग्राम्य विकास विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक बोर्ड लगाया जाए। इस बोर्ड में महत्वपूर्ण सूचनाएं और ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और रोजगार सेवक के मोबाइल नंबर और योजनाओं का विवरण भी मौजूद रहे। योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि प्रदेश में कोई भी स्कूल अब एडमिशन फीस नहीं लेगा और आदेश न मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। इससे पहले राजधानी लखनऊ के जिला विद्यालय निरीक्षक ने दो स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन पर FIR दर्ज करवाई। योगी सरकार ने समिति का गठन कर दिया है और उसे 15 दिन की मोहलत देकर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। सिक्योरिटी कम करने पर सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बड़ा बयान दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जिन लोगों की सुरक्षा कम हुई उनको मार दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बाहर के राज्यों से धमकी भरे खत भी मिले। फिलहाल इन खतों को SP रामपुर ने जांच के लिए भेजा है। आजम ने अपनी जान को खतरे की आशंका जताते हुए कहा कि किसी मकसद से ही हमारी सुरक्षा कम की गई है। कानपुर में कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को जाना। दूसरी बड़ी समस्याओं के लिए अपने विभागीय मंत्रियों से बात करके दूर करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहां पर पहुंचे थे। दिल्ली नगर निगम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शिकायतों के बीच रविवार को करीब 54% मतदान हुआ। निगम चुनावों को लेकर चुनाव के बाद जारी किए गए सर्वेक्षणों में बीजेपी को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5:30 बजे खत्म हुआ और मतगणना 26 अप्रैल यानी कि कल होगी। सीएम केजरीवाल ने कई EVM के गड़बड़ होने का आरोप लगाते हुए मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लौटने का दावा किया है। पोल के सर्वे पर अगर नजर डालें तो दिल्ली के नगर निगमों में एक बार फिर से कमल खिलेगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास ने जंतर मंतर पर बैठे तमिलनाडु के किसानों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विश्वास ने केजरीवाल को भी नेक सलाह दी। विश्वास ने कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए आना चाहिए। दिल्ली नगर निगम के लिए मतदान खत्म होने के बाद कुमार विश्वास भी तमिल किसानों को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंचे थे। कुमार विश्वास ने कहा कि अब तक यहां पर जो कुछ भी घटित हुआ है वो सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है।
कुमार विश्वास ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर जंतर मंतर के आक्रोश को ठीक सही पर नहीं सुना जाएगा तो किस परिणाम तक सरकार को ये पहुंचा देता है उसे कांग्रेस से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक पासपोर्ट के लिए अब हिंदी में भी आवेदन किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए पासपोर्ट वेबसाइट पर सेवा को शुरू किया। अब उन लोगों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करना आसान हो जाएगा जिनको अंग्रेजी भाषा में पासपोर्ट का आवेदन करना मुश्किल लगता है। विदेश मंत्रालय द्वारा ये कदम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा आधिकारिक भाषा के लिए बनाई गई समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद उठाया गया। पैनल के द्वारा दिए गए सुझाव में बताया गया था कि सभी पासपोर्ट कार्यालयों में हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में फॉर्म उपलब्ध कराए जाने चाहिए, हिंदी भरे गए आवेदनों को स्वीकार किया जाना चाहिए। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सरकार से मांग की है कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। महाराष्ट्र के विपक्षी दल के कुछ नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे की इस मांग का समर्थन किया है। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि विपक्षी दल के कुछ नेता सहित हम सभी चाहते हैं कि सावरकर को भारत के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाए। वीर सावरकर के लेखन पर तीन दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह पर बोलते हुए ठाकरे ने ये तमाम बातें कही। बैठक में ये भी मांगे रखी गई कि अंडमान और निकोबार द्वीप के उस सेल्यूलर जेल का मॉडल मुंबई में बनाया जाना चाहिए जिसमें अंग्रेजों ने वीर सावरकर को रखा था। सीतापुर में पुरानी रंजिश के चलते एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और मृतक के परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर एक बीमार बुजुर्ग नग्न अवस्था में पाया गया, लेकिन उपचार तो दूर, किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जब मीडिया की नजर बुजुर्ग पर पड़ी तो कवरेज करते इमरजेंसी के डॉक्टर भी हरकत में आए और बीमार बुजुर्ग को उपचार दिया। सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र में दो भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ है। आरोप है कि हमलावर पीड़ितों की चचेरी बहन को लगातार फोन करके परेशान करता था। वहीं इस लड़की की शादी एक महीने पहले ही हुई है। इस बात की शिकायत लड़की ने अपने परिजनों से भी की। आरोपी युवक को जब दोनों भाई समझाने पहुंचे तो आरोपी ने इनके ऊपर अवैध असलहे से फायरिंग कर दी और फरार हो गया। इलाहाबाद के पालपुर घाट पर तेज आंधी के दौरान यमुना में नाव पलटने से दो मासूमों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद रहे मछुआरों ने कई लोगों को डूबने से बचा लिया। जल पुलिस की टीम गोताखोरों के साथ नदी में डूबे लोगों की तलाश में जुटी थी। डीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। एटा के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। शिकोहाबाद रोड पर एक लापरवाह ट्रक ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। युवक अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में आया हुआ था। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर इस ट्रक को भी तोड़ दिया और सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पर डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे जिसके बाद जाम को खुलवाया जा सका। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में छात्रों और जूनियर डॉक्टर के बीच विवाद हुआ। छात्रों ने जूनियर डॉक्टर की पिटाई कर दी। घटना से जूनियर डॉक्टर आक्रोशित हो गए और इमरजेंसी सेवाओं को ठप्प कर दिया। आरोपियों के प्रति कानूनी कार्रवाई की मांग की जाने लगी। मामले पर बोलते हुए सीएमओ ने कहा कि एसएसपी से मिलकर इसकी शिकायत की जाएगी। कुशीनगर के सरगटिया करण पट्टी गांव में अंधविश्वास ने दो मासूम जिंदगियों को छीन लिया। यहां पर झाड़फूंक के दौरान एक बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने दूसरे परिवार पर भूत चढ़ाने का आरोप लगाते हुए हमला करके 3 साल के दूसरे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया।
वहीं मारपीट में एक मासूम और एक महिला गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। झांसी में किसानों को गेहूं क्रय केंद्रों पर बंदूक दिखाकर धमकाया जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि गेहूं केंद्र प्रभारी से जब समर्थन मूल्य मांगा जाता है तो वो अपने निजी गार्ड से धमकी दिलवाते हैं। शिकायत पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी और उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी सदर ने गार्ड को हिरासत में लेकर थाने भेजा और सभी रिकॉर्ड सील करते हुए गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। कासगंज के सोरो कस्बे के मैरिज होम में एक फोटोग्राफर ने हर्ष फायरिंग का विरोध किया तो फायरिंग करने वाले एक युवक ने उस पर फायरिंग कर दी। इसमें एक 12 साल का मासूम और फोटोग्राफर घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। संत कबीर नगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बारात में खाना खाने से 3 दर्जन से ज्यादा लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए, जिनमें से कई महिलाएं और बच्चे भी थे। इन सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर के डीएम के सरकारी नंबर को एक युवक ने हैक कर लिया और उसके बाद कॉल करके खुद को आईएस का आतंकी बताते हुए एक हिंदू नेता को जान से मारने की धमकी दी। हिंदू नेता ने नंबर की जांच पड़ताल की तो पता चला कि यह नंबर मुजफ्फरनगर के डीएम का है। एसपी ने इस मामले को लेकर जांच की बात कही। डीएम ने कहा कि वो इस मामले की जांच पड़ताल करवाएंगे। योगी सरकार ने कानपुर की आरटीओ सुनीता वर्मा को सस्पेंड करने की तैयारी कर ली है। परिवहन आयुक्त की सिफारिश के बाद फाइल प्रमुख सचिव परिवहन तक पहुंच गई और आज इसके औपचारिक आदेश जारी हो सकते हैं। कानपुर की आरटीओ सुनीता वर्मा और उनके पति वाणिज्यकर कमिश्नर डीके वर्मा के आवास पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। आयकर विभाग ने जब दोनों से इसका जवाब मांगा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस मामले में सीएम भी कड़ी नाराजगी जता चुके हैं। महोबा में एम्स की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से बुंदेली समाज के लोगों ने धरना दिया। पुलिस ने इन सभी लोगों को जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस की निगरानी में रखकर उनका उपचार कराया गया। अनशनकारियों को किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया गया। मीडिया को भी अनशनकारियों से नहीं मिलने दिया गया। जब मीडिया के लोगों ने इस बात का विरोध किया उसके बाद मीडिया कर्मियों को अनशनकारियों से मिलने दिया गया। महाराजगंज के धनेवा समेत दूसरे इलाकों में कई पेड़ टूट कर गिर गए। बिजली के खंभों समेत बिजली के तार भी जगह जगह से तेज आंधी की वजह से टूट गए। यहां पर तेज आंधी और बारिश से कई घरों पर पेड़ गिर गए, जिससे घरों में सो रहे कई लोग चोटिल हो गए। 28 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी। यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। बता दें कि 3 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने के समय पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। 6 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के वक्त राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बद्रीनाथ धाम में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में 28 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली। यात्रा को लेकर हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ता और ट्रेवल व्यवसायियों ने एक बैठक भी की। बैठक में इस बार चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने पर चर्चा हुई। तीर्थयात्रियों को इस बार गर्मी धूप और प्यास किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश से करीब 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 112 श्रद्धालुओं का जत्था भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचा। यह जत्था त्रियोगी नारायण के लिए रवाना होगा। शिमला के अलग अलग 12 गांव से 112 लोगों का जत्था 9 अप्रैल को निकाला गया था। उत्तराखंड में पिछले 17 सालों से बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई। ये यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है जो करीब 28 दिनों तक चलेगी। यात्रा के दौरान उत्तराखंड में 22 देवालयों के दर्शन भी किए जाते हैं। यमुनोत्री धाम में कपाट 28 अप्रैल को खुलेंगे। यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर पालिका परिसर में उप जिलाधिकारी और सीओ बड़कोट ने व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ अहम बैठक की।